सुप्रीम कोर्ट सोमवार को दिल्ली के शाहीन बाग इलाके से नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए के प्रदर्शनकारियों को हटाने की मांग पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इससे पहले कहा था कि वो शाहीन बाग में प्रदर्शनों के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई 10 फरवरी को करेगा, क्योंकि वो मामले की शुक्रवार को सुनवाई करके दिल्ली विधानसभा चुनाव को प्रभावित नहीं करना चाहते। न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने कहा था कि हम इस बात को समझते हैं कि वहां समस्या है और हमें देखना होगा कि इसे कैसे सुलझाया जाए। हम सोमवार को इस पर सुनवाई करेंगे, तब हम बेहतर स्थिति में होंगे। अब दिल्ली का मतदान खत्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। और अमित दुबे हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अमित, जब से सीए एनआरसी को लेकर शाहीनबाग में प्रदर्शन चल रहा है, तब से ही कई याचिका यहां पर आ चुकी है। एक बार सुनवाई हुई, लेकिन उसमें कुछ फैसला या कुछ आगे की सुनवाई करने से फिलहाल कोर्ट ने मना कर दिया, चूंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और जैसे में देखा जा रहा था कि राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं शाहीनबाग को एक अहम मुद्दा बना रही थी, ऐसे में उसको दरकिनार करते हुए फिलहाल आज ये सुनवाई होगी और देखना होगा कि आखिरकार आज सुनवाई में क्या कुछ अहम रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए पिछले 57 दिन से शाहीन बाग में लोग जो है वो धरने पे बैठे और ऐसे में लोगों का आना जाना जो है खासतौर पे नोएडा जाने वाले, दिल्ली से नोएडा जाने वाला रास्ता जो है वो पूरी तरह बंद है। इस वजह से लगातार दिल्ली में जाम की समस्या है और यही वजह है कि यहाँ पे शाहीन बाग के प्रदर्शन को बंद कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी। अन्य भी कई मुद्दे जो है वो इससे जुड़े हुए हैं। रिसेंटली अगर बात करें तो शाहीन बाग में प्रदर्शन के दौरान एक बच्चे की भी मौत हुई है, वो भी मामला इसी से जोड़ के देखा जा रहा है। और आज चूंकि पिछली सुनवाई में दिल्ली विधानसभा में चुनाव था, तो चुनाव की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई, कोर्ट ने इस सुनवाई को रोक दिया था। और आज जब कोर्ट बैठेगा तो दिल्ली के लोगों की जो समस्या है जिसे लेके लोग बार बार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगी जो शाहीन बाग खाली हो और लोगों का आना जाना सुचारू रूप से चालू हो सके, तो आज मामले की सुनवाई है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से पहले ही कहा गया है कि जितने भी शाहीन बाग से जुड़े मामले सबको एक साथ में कलेक्ट किया जाए और सुप्रीम कोर्ट एक साथ सारे मामलों की सुनवाई करे। लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ पर अमित, अगर देखा जाए क्योंकि इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार, दिल्ली सरकार पर भी उठाए जा रहे हैं तो केंद्र सरकार पर भी उठाए जा रहे हैं, और क्या अब इनको जो नोटिस भी यहाँ पर कहा गया था कि जारी किया गया, 4 हफ्ते का वक्त यहाँ पर उनको दिया गया था कि उस पर जो स्पष्टीकरण है वो दिया जाए, तो क्या आज वो भी यहाँ पर सामने आएगा? देखिए पिछली जो सुनवाई हुई है तो उनमें साफ तौर पर दिल्ली पुलिस को कहा गया और पुलिस को कानून व्यवस्था संभालने का अधिकार है, पुलिस किस तरह से काम करेगी पुलिस को सोचना है, लेकिन कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया कि शाहीन बाग को खाली कराया जाए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अधिकार है प्रदर्शन करना और इस पे चूंकि दिल्ली चुनाव था तो आरोप प्रत्यारोप का दौर था, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें या हम गृह मंत्री की बात करें कि दिल्ली पुलिस जो है वो गृह मंत्री के अंडर में, और गृह मंत्री को ऐसे में शाहीन बाग को खाली कराना या प्रदर्शनकारियों को वहां पे रोकना ये उन्हें तय करना है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर था, अभी तक पुलिस ने इस तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। दो बार शाहीन बाग में अजनबियों द्वारा फायरिंग हुई, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया जिन लोगों ने फायरिंग की। अब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट को तय करना आखिर कोर्ट पुलिस को क्या दिशा निर्देश देता है, क्या प्रदर्शन जो कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लोकतंत्र के मूलों को दर्शाता है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसी बात पे रहता है या सुप्रीम कोर्ट कोई अपील या दिशा निर्देश पुलिस के लिए जारी करता है कि जिस वजह से शाहीन बाग में जो प्रदर्शनकारी पिछले 57 दिनों से बैठे हुए हैं उन्हें हटाने के लिए कोई आदेश देता है या नहीं, देखने वाली बात होगी।